अलिफ लैला। हर शब नई कहानी दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। अब जा, जाके मेरे भाइयों का जहर चूस ले, उनकी जिंदगी बख्श दे मेरे दोस्त, उनकी जिंदगी बख्श दे। जा। सागिर बिरादर, हमारे गुनाह माफ कर दे। हम बहुत शर्मिंदा हैं। सारी जिंदगी हमें अपना गुलाम बनाकर अपने पास रखो। गुलाम बनाकर नहीं, अपना भाई बनाकर अपने पास रखूंगा। जिस दौलत के लिए आप लोगों ने ये सब किया, वो आधी दौलत आप लोगों को दे दूंगा। अपने कारोबार में आधे का हिस्सेदार बनाऊंगा भाईजान, आधे का हिस्सेदार बनाऊंगा। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे मारे स्याह, तूने मेरे भाइयों की जान बख्शी, तेरा यह एहसान मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस अंधे मोहताज को कुछ दे दे बाबा। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, मौला के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी नेक कमाई में बरकत दे बाबा। अल्लाह 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 अल्लाह। फरमाइए। मैं शरीफ और इज्जतदार इंसान हूं, मुझ में और इन फकीरों में बस इतना फर्क है कि ये कह सकते हैं, मैं कह नहीं सकता। अहे शरीफों की इज्जत और आबरू के रखवाले, अल्लाह के बंदे, मेरी दो जवान बेटियां हैं, उनकी शादी कराने के लिए मेरे पास एक दिरहम भी नहीं है। मेरे मोहतरम, आपकी बेटियां मेरी बहनें हैं, यहां से पूछ लीजिए।
अल्लाह ने मुझे इसलिए इतनी दौलत दी है कि मैं मजबूर और बेबस लोगों की खिदमत कर सकूं। दीजिए, ये रख लीजिए अपने पास। अल्लाह आपको इस नेकी का सिला दे, आपकी इज्जत और जिंदगी को बुरे लोगों की बुरी नजर से बचाए। ऐ सखी सगीर अहमद, मैं वक्त का मारा गरीब बेरोजगार हूँ, इसीलिए मकान का किराया नहीं दे सका। मालिक ने घर से निकाल दिया है, बेघर रास्ते पर बीवी बच्चों को लिए पड़ा हुआ हूँ। इस शहर में सिर्फ तू ही गरीबों का जहाँ पनाह है, मुझे पनाह दे दे, अल्लाह तुझे अपनी पनाह में रखेगा। ऐ मुसीबत जदा, मैं आपके लिए मकान तो नहीं दे सकता, लेकिन इतनी दौलत जरूर दे सकता हूँ जिससे आप अपना एक झोपड़ा बनवा कर उसमें इज्जत से रह सकें। ये लो। ऐ हातिमे सानी, जैसे तूने मुझे रास्ते की धूल बनने से बचाया है, अल्लाह तुझे हर बलाए नेकहानी से बचाए, तेरा घर हमेशा आबाद रहे। यार कबीरे। हाँ बिरादर। ये सगीरा तो माल ऐसे लुटा रहा जैसे माल उसी का हो। माल तो उसी का है। अरे उसमें हमारा भी तो हिस्सा है बेवकूफ। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि खुदा उसे दिए चले जा रहा है, दिए चले जा रहा, और हम उसे नजर ही नहीं आते। कहां से नजर आए, खुदा के सामने हम जाते नहीं। रोज वो पांचों वक्त हमें बुलाता है, अपने पास बुलाता है, हम नमाज पढ़ते नहीं, रोजा रखते नहीं, खैरात करते नहीं। कहते हैं बुरा सोचने वालों का साथ हमेशा शैतान देता है, हमारा साथ तो शैतान भी नहीं देता। बड़ा ही जुल्म किया हमने अपने आप पर। यार महीनों हो गए शराब को मुंह लगाए हुए। भाईजान, रोज शाम को मेरी जुबान और मेरा पेट ये कहते हैं, ला पिला ला पिला, जबाने खिरद में जिसे शराब कहते हैं, और आंखें आंखें कहती हैं दिखा ला दिखा, नाचने वाली हसीनाओं का नाच दिखा, और हाथ कहते हैं खिला हमें जुआ खिला। सच कहा बिरादर, हमारे शौक पूरे करने के लिए हमारे पास जरा भी दौलत नहीं है। एक काम करते हैं, इस सगीर को मार डालते हैं। कितनी बार मारेंगे उसे, वो तो कमबख्त मरता ही नहीं। उसने तो नेकी का आबे हयात पी रखा है, उसने इतनी नेकियां की कि इंसान तो इंसान, जानवर तक उसकी नेकी के गुलाम है। हाँ, हमने दुश्मन सांप भेजा, उससे उसकी नेकी का रिश्ता निकल आया। मौत ही जिसकी पहरेदार हो, उसको भला कौन मार सकता है। अरे छोड़ बिरादर, भाई अजीज रिश्तेदार और दोस्तों मौत से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस बार वो बच नहीं सकता। एक काम करते हैं, उसे हम बहला फुसला कर कश्ती में ले जाते हैं और उसे दरिया में फेंक डालेंगे। ऐसे ही कमीने कमीने ख्यालात मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है इस बार ये नमक हरामी के ख्यालात हमें दौलतमंद जरूर बना देंगे। कबीर, वो आ रहा है। अच्छा, चल इबादत करते हैं। आए मेरे खुदा, हमारी तौबा है जो हमने छोटे भाई को मारने की कोशिश की। अब हम उम्र दराज की दुआ करते हैं। हमारी एक तमन्ना पूरी कर दे मेरे खुदा। साहिले जोहला पर जो जलजला तूफान आया है, वहां हम जिंदों को खाना खिलाएं, मुर्दों को कब्र में दफनाएं, बर्बाद को आबाद कराएं। आमीन।
बिरादरे मोहतरम, आप जलजला और तूफान में बर्बाद हुए लोगों को आबाद करना चाहते हैं? ये तो बड़े नेकी और सवाब का काम है। इस नेक काम के लिए जितनी भी दौलत चाहिए ले जाइए। ऐसे नेक काम के लिए आप जैसे फरिश्ते का होना बहुत जरूरी है। ये तो मेरी खुशनसीबी होगी, मैं जरूर चलूंगा। बाजार चलकर कल के सफर के लिए कुछ सामान खरीद लेते हैं। आइए चलिए। जरूर जरूर आओ बिरादर अजीज। हाँ, जी आओ जी आइए। सुनिए सुनिए साहिबान, मेहरबान मेहमान कदरदान, साहिबान देखिए, इस हसीन नाजनीन दोशीजा की तरफ देखिए। ये इंसान की शक्ल में चांद का टुकड़ा है, सितारों की अंजुमन है, कहकशां का दामन है। देखिए इसे, कोहे काफ की शहजादी है ये, जन्नत की हूर है, परिस्तान की परी है। आंखों में इसके मैखाने हैं, रंगीन हुस्न के पैमाने हैं। और दाम, दाम कुछ भी नहीं। हाँ तो मेहरबान कदरदान, दाम है सिर्फ 50 अशरफियां, सिर्फ 50 अशरफियां। है कोई मेहरबान कदरदान? 60, 70 अशरफियां, 75 अशरफियां, 75 अशरफियां। साहिबान मेहरबान कदरदान, 75 अशरफियां, 80 अशरफियां, 85 अशरफियां, 85 अशरफियां। साहिबान कदरदान मेहरबान, 85, 80 और 5, 85 अशरफियां। आइए हसीन मुअज्जिज नौजवान, आप भी आइए, लगाइए इस हसीना के दाम। बोलिए कदरदान मेहरबान, बोलिए। अरे नेक इंसान, तू सूरत से ही नेक और शरीफ नजर आता है, मेरी मदद फरमा। मुझे खरीद कर इन जालिमों के पंजों से मुझे आजाद कर। नब्बे अशरफियां, बोलिए मेहरबान। हाँ 90 अशरफियां, बोलिए कदरदान मेहरबान, बोलिए, लगाइए। आप भी हसीना के दाम लगाइए। 95, 95, हाँ हाँ बोलिए, 90 और 5, 95, बोलिए साहिबान कदरदान मेहरबान, बोलिए 95। एक 115 अशरफियां, 115, 115 अशरफियां, मेहरबान बोलिए 115 अशरफियां। है कोई मेहरबान? 115। सगीर, ये तुमने क्या किया? 115 अशरफियां? अरे यही अगर कारोबार में लगाते तो 2 गुना फायदा होता। हाँ, एक बेकार चौराहे पर बिकने वाली जलील औरत को खरीद लिया तुमने। दुनिया में कोई औरत जलील नहीं होती, मर्द ही उसे जलील बनाते हैं। मजहब ने तो यह हुक्म दिया है कि मां बहन बेटी या कोई भी गैर औरत हो उसे जलील मत करो। जिस कौम ने औरतों को जलील किया वो कौम तबाह हो गई। जिस घर में औरतें दुखी होती हैं वो घर बर्बाद हो जाते हैं। अगर कोई बेसहारा मजबूर औरत मदद के लिए पुकारे और खुदा ने तुम्हें इस लायक बनाया तो जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। औरतों की इज्जत करना सीखो भाइयों, उसकी इज्जत करना सीखो। करो भलाई रुए जमीन पर, खुदा खुश होगा अर्श बरी पर। ऐ फरिश्ता सीरत नेक इंसान, मेरे आका, मैं आपकी कनीज लौंडी हूं, मुझे हुक्म दीजिए कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं। ऐ मजलूम लड़की, मैंने तुम्हें किसी लालच में नहीं खरीदा। अल्लाह का हुक्म है कि बेबस और लाचार लोगों की मदद कर, सो मैंने की। अब तुम आजाद हो, जहां की रहने वाली हो वहां जा सकती हो। मेरा वतन बहुत दूर है, मेरी जिंदगी में अंधेरी रात है, थकी हिम्मतें कड़ी मंजिलें हैं। आपके बिना अभी जिंदगी का सफर कट नहीं सकता। लेकिन तुम्हें मैं अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? अपनी कनीज बनाकर
नहीं, मैं इंसानों को गुलाम और कनीज बनाने के सख्त खिलाफ हूं। तो फिर मुझे अपनी बीवी बना लीजिए। मेरी मोहसिन, इस जहां में कोई नहीं मेरा, मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए। जहां पनाह, मुझे अपनी बाजुओं में ले लीजिए। मेरी तलाश में है गर्दिशें जमाने की। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम आज ही काजी शहर के पास चलकर निकाह कर लेंगे और कल अपने काफिले के साथ शहर जोहला के लिए रवाना होंगे, जहां जलजला और तूफान में लोग बर्बाद हो गए हैं। उनकी मदद और खिदमत के लिए हम तीनों भाई वहां साथ जा रहे हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। यकीनन, जरूर, तुम भी हमारे साथ चलोगी। आइए भाईजान, बाहर चलते हैं। सफर के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। हाँ। और दो दिन के सफर के बाद हम शहर जोहला पहुंच जाएंगे। हाँ। देखो देखो कैसे ऐश कर रहा है। हाँ। हाँ। उसे तो बीवी भी अच्छी मिल गई है, घर भी अच्छा हो गया है। अब हमारा क्या होगा? वही होगा जो हमने सोचा है। हाँ? हम बहला फुसला कर जलजले के बहाने उसे यहां तक तो ले आए हैं। हाँ। फिर अब, और अब मुझे सोचने दो। शैतान भी जानता है कि मैं कौन हूं। आप जी, आपने ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। जिस औरत के दिल में इज्जत से जीने की तड़प हो और जिसका चेहरा शराफत और मासूमियत की खुली किताब हो, उसे पढ़ने के बाद और कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मुझे खुशी है मेरे सरताज, क्या आपने मुझे मेरे लफ्जों से नहीं रूह से पहचाना है? तुमसे लफ्जों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में शामिल है हवाओं की तरह। फरजाना, शायद तुम्हें नहीं मालूम, कभी कभी मियां बीबी के रिश्ते ढूंढने से नहीं मिलते, बस हो जाया करते हैं। ये अल्लाह की मर्जी होती है। मेरे सरताज, आइए भाईजान, संभाल के चलो। मर्जी चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी मर्जी यह है कि उसने जो बे इंतहा दौलत कमाई है उसमें से आधा हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके घर में जो भी दौलत है वो सब और जायदाद भी हमारी हो जाएगी। हाँ। और काजी शहर को ये सबूत दे देंगे कि वो दोनों रेगिस्तान के तूफान में दबकर मर गए। हाँ। आओ मेरे भाई, उनकी खुशनसीबी को बदनसीबी में बदल दें। छोटे भाई और उसकी बीवी को ज्यादा देर तक जिंदा रखना हमारे लिए अकलमंदी की बात नहीं है। बिल्कुल सही, आइए बड़े भाई चलाओ। अरे अरे मेरे भाई, हाथों में खंजर। तुम्हारी खुशहाल और आबाद जिंदगी ने जो हमारे दिलों में आग लगा रखी है, तभी बुझेगी जब हम तुम्हें, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी जिंदगी को हम अपने हाथों से आग लगाकर राख कर देंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? हम अपनी नाकामी और तुम्हारी
नाकामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, तुम्हारी नाकामी, तुम्हारे ऐब बुरी आदतों की वजह से है। हवस, जलन है, धोखा, बेईमानी, जुआ, शराब और बुरी नीयत की वजह से है। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। हाँ बताओ ना शहरज़ाद, फिर क्या हुआ? क्या उन दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई को मरवा डाला? बताओ ना शहरज़ाद, क्या हुआ? फिर हुजूर, अजान की मुकद्दस आवाज ने मुझे खामोश कर दिया है। खामोश होकर तुमने हमें बहुत परेशान कर दिया शहरज़ाद। ए हुजूर, मुझसे क्या गुस्ताखी हुई? ये गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? तुम किस्से को हमेशा ऐसी जगह छोड़ती हो जहां हम तड़प के रह जाते हैं। मेरे सरताज, इसमें मुझ कनीस का क्या कसूर? कसूर तो उन लोगों का है जिनकी वजह से ये किसे बने। जान की आमान पाऊं हुजूर, अगर आज आप मुझे कत्ल करवा देंगे तो कल आपके और मेरे बारे में भी ऐसे ही किस्से बन जाएंगे। चाहे तो मुझे कत्ल करवा के देख लीजिए। नहीं! इस किस्से को पूरा सुनने के लिए हमने तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी। शुक्रिया। अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।